खूनी वही भाभी और नवा फोन किदा मैं नवा फोन किदा वीडियो बना ले अनबॉक्सिंग नहीं अनबॉक्सिंग कर सन दुगी दुगी पाऊं ये तो साल डेढ़ इस तरह कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं मुकना पया जैसे बंदे वाले काम कर रहे रिकॉर्डिंग स्टार्ट है की ए वीडियो ने स्टार्टिंग दा लासा मैं चाय का मजा चूस क्यों मैं ए वीडियो ने स्टार्टिंग दा लासा फिर इंट्रो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग करते हैं शुरू। आप सबको शमजीत कहते हैं आज की वीडियो में। तो आज की रूटीन मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो आपसे रिक्वेस्ट आप दोस्तों के अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि आइंदा आने वाले लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच सकें। तो अभी दिन के तकरीबन 12:30 बज रहे हैं, तो अभी उठा हूँ तो जाना है आज बाल कटाने। आप भी सोच रहे होंगे पता नहीं कितनी वीडियो बना चुका है बाल कटवाने की। मेरी रूटीन है तकरीबन दो से ज़्यादा 3 हफ्तों के बाद बाल वगैरह सेट करवाता रहता हूँ, तो इसलिए जो है अभी आज जाना है। फिर तकरीबन 2 हफ्ते हो गए हैं, जैसे आप देख सकते हैं दाढ़ी वगैरह थोड़ी बड़ी हो गई है, तो थोड़ा ये सेटिंग सेटिंग करानी है। तो अभी चलते हैं और बाल कटवाते हैं। आज जो है नाश्ता वगैरह अभी नहीं किया, तो क्योंकि दिन के अभी 12:30 बज रहे हैं, वैसे भी नाश्ते का टाइम तो गुजर गया, अभी लंच का टाइम हो रहा है। तो पहले जाते हैं बाल काटते हैं और फिर देखते हैं आके वापस आते हैं और देखते हैं लंच में क्या कुछ है बना आज। तो अभी चलते हैं पहले बाल कटवाने के लिए। तो अभी जा रहे हैं बाल कटवाने, तो रास्ते में ताईजान का घर है, तो उनके घर से होते ही चलते हैं। उनसे भी काफ़ी दिन हो गए उनके घर नहीं गया, उनसे मुलाकात वगैरह करते हैं सबसे, तो फिर चलते हैं बाल कटाने। और मौसम का बताता चलूँ, मौसम आज काफ़ी अच्छा है, धूप वगैरह निकली हुई है जैसे आप देख सकते हैं, धूप वगैरह निकली हुई है, थोड़े थोड़े बादल भी हैं और ओवरऑल मौसम जो है ना अच्छा है। थोड़ी थोड़ी हवा भी चल रही है, ठंडी है, तो इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है कि जो बर्दाश्त से बाहर हो जाए। ताया जान के घर से होके अभी घर गया था, तो वहाँ पे लंच वगैरह लग गया वहाँ पे। तो अभी चलते हैं बार्बर के शॉप पे, वहाँ पे बाल वगैरह कटवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम जी, खुशामदाई कहते हैं व्लॉग के दूसरे दिन में। कल मैं बाल वगैरह कटवा के तो घर आ गया था, फिर घर आया तो ये सेल का मैच लगा हुआ था, वो देखते देखते फिर रात हो गई, काफ़ी देर हो गई थी, फिर वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर सका। अभी सुबह टाइम है, जुमे का दिन है, तो अभी जुमे के लिए तैयार हो रहा हूँ, तो अभी ऑलमोस्ट रेडी हूँ, बस चाय वगैरह पीनी है, तो जुमे का टाइम भी होने वाला है। तो आज चलते हैं, जुमा पढ़ते हैं, फिर देखते हैं आपकी वो, फिर दिखाते हैं आपको और क्या मुसरफियात हैं आज की। तो अभी चलते हैं जुमा पढ़ने के लिए, तैयार में हो चुका हूँ, तो साथ ही आ गई है चाय पीते हैं और फिर चलते हैं जुमा पढ़ने के लिए। जैसे आपको पता है एक कप चाय, आय हाय आय हाय, वाह मजे की बनी है। हमारे इधर जुमा जो है तकरीबन होता है पूरे एक बजे होता है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपकी हाँ जुमे की नमाज का टाइम क्या है। जुमे की नमाज जो मैं अदा कर चुका हूँ, आप सबको जुमा मुबारक हो, और आज के इस दिन के वसीला से अल्लाह ताला आप सबको खुशी देरू सारी खुशियाँ अता फरमाएं। उम्मीद करता हूँ आप सब ने भी जुमे की नमाज अदा कर ली होगी। अभी चलते हैं घर, भूख भी लगी हुई है, लंच का टाइम हो रहा है, तो खाना वगैरह भी खाते हैं, भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है, तो अभी चलते हैं घर।
देखो खाने में जो है आज पास्ता बना हुआ है, तो इसे गर्म कर लेते हैं थोड़ा। पास्ता लगता है गर्म मेरा हो गया है। ओहो ये तो लगता है बहुत ज्यादा ही गर्म हो गया। मैं ओवन लगा के फिर चाय बनाने लग गया था तो पता ही नहीं लगा बहुत ज्यादा गर्म हो गया पास्ता। पास्ता मेरा जो आ गया अभी खाते हैं। लग तो बहुत ही मजे कर रहा है और गर्म भी थोड़ा ज्यादा गर्म हो गया है। चलो कोई नहीं ठंडा हो जाएगा, अभी खाते हैं। अगर आप में से किसी ने खाना है तो आ जाएं।